13 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी रणबीर और आलिया की शादी की रस्में। 4 सालों तक एक दूसरे को डेट करने, अच्छे से समझने और एक दूसरे के प्यार में डूब जाने के बाद अब आलिया और रणबीर शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भट्ट परिवार और कपूर परिवार में शहनाई बजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वेडिंग डेट, वेन्यू, सब कुछ डिसाइड हो चुका है, लेकिन दोनों ही परिवारों ने चुप्पी साध रखी है। वहीं रह रहकर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही हैं। अब खबर है कि शादी की रस्में 13 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए वेडिंग प्लानर को सभी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। खबर है कि प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 13 अप्रैल से शुरू होकर के 16 अप्रैल तक चलेगा और 17 अप्रैल को ये जोड़ा शादी के बंधन में बंध जाएगा। भट्ट परिवार और कपूर परिवार दोनों ही इस फंक्शन को परिवार तक ही सीमित रखना चाहते हैं, लिहाजा संगीत, मेहंदी और हल्दी की रस्मों में परिवार के लोग और आलिया व रणबीर के करीबी लोग शामिल हो सकते हैं। सभी सेरेमनीज आरके हाउस में होंगे और शादी भी यही होगी। वहीं आलिया भट्ट शादी के हर फंक्शन में बेहद खास दिखना चाहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए उन्होंने मनीष मल्होत्रा और सव्यसाची से कांटेक्ट किया है। आपको बता दें, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर 4 साल से रिश्ते में हैं। दोनों ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान नजदीक आए। रणबीर कपूर के बर्थडे पर आलिया ने इस रिश्ते को ऑफिशियली अनाउंस किया। काफी समय से इनकी शादी की खबरें आ रही हैं और अब ये दोनों फाइनली शादी करने जा रहे हैं। ये शादी मुंबई में ही होगी।